बसमरिम असल मैं हूँ सबिक आजमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब नाजिन एक बहुत बड़ी साजिश जिसका स्टार्ट इराक था लेकिन ख़त्म पाकिस्तान पर होनी थी बल्कि इसको तमाम अहल इस्लाम ने मिलकर नाकाम किया इसके असरात ईरान अफगानिस्तान शाम बल्कि इस पूरे खत्े पर इंतहाई खतरनाक होने जा रहे थे मैं आपको उसकी पूरी तफसल बताता हूँ कि यह मामला असल में है क्या था और उसके बाद फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और जो मौजूदा हालात हैं उस पर कुछ अहम ख़बरें और तज्ज़ा देते हैं सबसे पहले ये जो अहम ख़बर कि इराक़ में जारी कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया और जो इराकी रहनमाय मुतदा सदर उसने अपने हामियों को ये कहा कि आप सब लोग जो है अपने अपने घरों को वापस चले जाएँ और ये मामला बिल्कुल अफाम व तफीम से हल हुआ इसमें जो ईरान के मज़बी रहन अली सस्तानी उसका हुक्म आया उसके हुक्म के बाद के जी मुहरम और सफ़र के महीने इसके तकदस का ख़्याल रखें और फिर ये मामला सारे एकदम डिस्पोज ऑफ हो गई अगर हुआ क्या असल में इराक में बड़े शैतानी तरीके से इन्होंने एक दफा फिर टारगेट था इनका अरबाइन अरबाइन आपको पता है इस वक्त जो हालात है अब चूंकि हम पाकिस्तान के हालात में इस वक्त फंसे हुए हैं सैलाब है, है बहुत सारे मामला हैं तो ये खबरें बहुत सारी लोगों तक नहीं पहुंच सकें इसलिए मैं सोचा आपको तफसील इसकी बताऊं अरबाइन को रोकना और उमत मुस्लिमा को एक दफा फिर उसी आग में झोंकना जिसमें हम लोग एक अरसे से जल रहे हैं ये पूरी साजिश की गई थी और ये फिर बेनकाब हुई आप जैसा कि अरबाइन के बारे में जानते हैं एक पुरमन वॉक जो दुनिया में इस वक्त पुरन मजहबी इजमा बन चुका है इसे पहले या दूसरे नंबर पर शायद इसे सबोताश करने की कोशिश थी क्योंकि एक महताद अंदाजे के मुताबिक जो लगभग चार से पाँच करोड़ लोग दुनिया भर से इसमें शिरकत करते हैं इसकी वजह से इराक और मुसलमानों की इकानमी बढ़े तो इराक को एक अंदरूनी जंग के अंदर धकेलने की कोशिश की गई इन्होंने किया क्या कि जितने भी इसीलिए ईरान ने सबसे पहले अपने इराक से जो जमीनी बॉर्डर थे इराक की तरफ जो फ्लाइट थी वो सारी मनसूख की और इन तमाम मामला का असर बरह रास्त पाकिस्तान शाम लेबनान यमन बहरीन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तमाम ममालिक पर पड़ सकता था ये बहुत बड़ी गेम थी बहुत बड़ी साजिश थी और इसे बेनकाब रूस की खुफिया एजेंसी ने किया उन्होंने ईरान और इराक दोनों को खबरदार किया कि अमरीका और इसराइल ये गेम खेलने जा रहे हैं और इसमें आपकी अवामी फसाद शुरू होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो मामलात हैं बिल्कुल पहले श्रीलंका वाली सूरत हाल बन चुकी थी बिल्कुल और उसके बाद फिर यहाँ पर जो एजेंट्स आएंगे उनके वो लॉन्च किए जाएंगे इंस्टॉल किए जाएंगे जो मुख्तलिफ़बानों के माहिर होंगे उर्दू फारसी अरबी और बाकी जो दीगर ममालिक हैंदि नेबरिंग कंट्रीज़ और इस मकसद के लिए उन्होंने यूरोप से बायदा तौर पर इराक़ में एन उसद अडे पर उन्हें इन लोगों को मुंतकिल भी किया जिन्होंने ये काम करना था और मकसद मुत सदर को रास्ते से पहले हटाना फिर मैं उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करना कुछ नकली इंटरव्यूज़ करने टी वी पर लगाने फिर कुछ पाकिस्तानी कुछ ईरानी कुछ अरब इन लोगों को गिरफ्तार करके इंटेलिजेंस के जरिए और बताना कि देखें ये सारा मामला इस तरह हुआ था और वो आग शुरू हो जानी थी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में गेम यही गेम पाकिस्तान में करने की कोशिश थी इस पूरे खत्े में आग की लपेट में लाना और ख़ास ख़ासतौर तो पर देखें इराक में मामला सियासी हैं जिसमें सदर की पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत चुकी थी अक्टूबर में जो हुए थे अब उसमें उन्होंने तिहत्तर सीटें ली इराक़ की सबसे बड़ी पार्टी बन गए इलेक्शन जीत कर उनका दावा था जो उन्होंने सच साबित किया लेकिन ये हुकूमत नहीं बना सके बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत भी गई अवामी पार्टी भी बन गई लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत उन्हें बनानी पड़ी बड़े तरीके से तो ये जो मामला है तिहाई हुकूमत का वहां भी इराक में भी वजूद आया वहां पर भी फिर मुख्त सदर ने पांच अगस्त को इलेक्शन दोबारा करवाने का मुतालबा किया फिर उन लोगों ने इराक़ की पार्लियामेंट के बाद धरना भी दे दिया कि जी हमारी मांगे तस्नीम करें इलेक्शन दोबारा करवाएं पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने मांग रहे हैं वहां दोबारा इराक में जो इस वक्त वजीर ये सदर का उद्दा जो ना होने के बराबर है क्योंकि जो निगरान वजीर है मुस्तफ़ा अहमदी वो बायर एक डमी वजे अजम है और वो मामला तय करने की शहबाज शरीफ साहब की तरफ मामला तय करने की वो कोशिश हैं लेकिन याद रखें कि इराक तेल के ऐर में दुनिया के पहले पांच ममालिक में आते हैं दुनिया का तकरीबन तकरीबन दस फीसद तेल जो है या आप कह लें एक सौ तिरसठ अरब बैरल तेल जो है इतना ज्यादा वहाँ से निकलता लेकिन बेरोजगारी लोड शेडिंग पानी नहीं है बंजर ज़मीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत का निज़ाम तालीम सब कुछ दरहम बरहम हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं ना बार बार जो भी हुआ ये मामला भी इराक में हो गया उसमें इराक़ के लोग इराकी झंडे उठाकर सदारती महल में इराक़ के महल में घुसे वहां शाही महल में और वहां जहाँ काबीना के वजरा बैठते हैं फिर उन स्विमिंग पूल में इन्होंने भी डुबकियां मारी और बागात के अंदर वो बिल्कुल वही माहौल श्रीलंका वाला नजर आया अब हकूमत और सियासी जमातों के दरमियान बहुत बड़ा डेड लॉक बन चुका है और इसमें जो अब एक बड़ा अहम मोड़ उस वक्त आया कि जब ये जो रहनुमा था राखी इसने कहा मुख्तार सदर ने कि मैं हर किस्म की सियासत छोड़ने जा रहा हूं मेरे जितने भी हमायती लोग हैं ये अपने दफातर बंद कर दें मेरा अब सियासत से कोई तलब नहीं ये बहुत बड़ा मामला बहुत बड़ी कॉल थी मतलब एक शौक था लोगों के लिए अब लीडरशिप आपके पास ना हो जिस तरह श्रीलंका में हुआ कि वहां कोई लीड नहीं कर रहा था तो लोग बगैर लीडरशिप के जब निकले तो फिर अच्छे बुरे की तमीज फिर वो एक मॉब मेंटेलिटी बन जाती है मामलातों के अपने हाथ में आ जाते हैं उस वक्त फिर ईरान के जो मजहबी रहनुमाए हैं इनके अली से उन्होंने मुदाखलत करके ये बहुत बड़ा फसाद बचा लिया इन तमाम ममालिक को बचा लिया सिर्फ वहाँ नहीं ये बहुत बड़ी हमारे लिए पाकिस्तान में भी मिसाल है क्योंकि हमारे मामला ये तकरीबन एक जैसे हैं आप जरा सोचें दो मिनट के लिए कि आप इमरान खान अचानक फर्ज के सियासत से रिटायर होने का फैसला कर बिना किसी वजह से और पाकिस्तान भी याद रखें कि गैस के तेल के खायर हैं मादनीर बलोचिस्तान हमारा ट्रिलियंस में है तो वहाँ पे ये ईरान हो इराक़ हो या सऊदी अरब हो जहाँ भी मादनी खा होंगे वहाँ तसलत भी होगा वहाँ गेम्स भी होंगी वहाँ कॉन्स्परेसीज भी होंगी तो आज पाकिस्तान को जो मजबूर किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान को कि आप हिंदुस्तान से सस्ता टमाटर खरीदें तजारत करें इदारे कह रहे हैं ख़ुद मफ्ता इसमाइल मान रहे हैं लेकिन जो पाकिस्तान को सस्ता तेल चाहिए था हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट व नहीं लेने दिया रूस से उन्होंने ये मामला इसीलिए हमारे लिए आज पूरी उमत मुसलमा के साथ जो मामला दरपेश है वो लीडरशिप है वे अपने फैसले हम खुद नहीं कर पा रहे करने नहीं दिए जा रहे इन मामला से बचने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है कुछ इन तमाम तो मामला को संभाले पाकिस्तान में देख लें आप इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं अब आप देखें ज़रा कि ये उनकी जमात को दीवार से लगा दिया गया लीडरों को उठाया जा रहा है वो सारे और कर कौन रहे अंदरूनी लोग लेकिन ताकतें कौन सी करवा रही हैं बैरूनी ताकतें बिल्कुल उस तरह इराक में उन्होंने ये गेम की अब ये सारा मामला अगर आप थोड़ी देर के लिए समझें तो सारी चीजें सारे डॉट्स आपको कनेक्ट नजर आएंगे इराक में ये बड़ी साजिश नाकाम हुई इससे अलहमदल पाकिस्तान समेत तमाम मामला बचे हैं ये बड़ी दूरस में बात करूं मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाता क्योंकि अब नवंबर में हाजी न्यूट्रल साहब के जब जाने के बाद ये मामला खुलेंगे तो फिर बहुत सारी और चीजें भी आपके सामने रखूंगा पिछली वीडियो में मैंने तफसील से आपको बताया किस तरह कतर में शहबाज श्री साहब और जो हमारे हाजी न्यूट्रल साहब हैं इनकी मुसाद से मुलाकात हुई उसके बाद आप देख लें जो मैंने पहले ख़बर दी उसके बाद फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने जना रमेश शुद साहब हैं बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी बात कर दी अब और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है ख़बरें आनी शुरू हो गई लेकिन मैंने आपको पहले बताया था हर हुकूमत की तरफ से अब ये कोई रद्दमल ना आए अब ये सबूत है इस चीज़ का कहीं ना कहीं आग तो है धुआं तो उठेगा अल्लाह तला बस हमें इस आग से बचाए फिलहाल तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त पानी से भी बचाए लेकिन ये पानी जो पाकिस्तान में अज़ाब नहीं है क्योंकि असल तबाही सैलाब से नहीं ना अहली करप्शन और मैनेजमेंट से आई है सैलाब से जो बड़ा हादसा मुझे लगा वो इन हुक्मरानों की बहसी बदबदार ताफनजदा चींचक ज़दा घटिया गलीज मुनाफत गलाजत गंदगी बेहूदगी ड्रामाबाजी और बोगज अनाद ये मुझे इनकी सियासत नजर आई अकवा मुतहदा की एम्बेसडर देखें हॉलीवुड की अदाकारा एंजिलना जूली उस उसने भी बात की मैं उसकी बात कर रहा हूँ असली वाले की ग्वाल मंडी की राजकुमारी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ उन्होंने भी देखें दो हज़ार दस में जो अको मुतहदा को पाकिस्तान से जाने के बाद जो रिपोर्ट पेश की पाकिस्तान के सैलाब पर यह आंखें खोली सिर्फ वो रिपोर्ट पढ़ लें सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी उस वक्त पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाता हूँ बारह साल के बाद आज आप वो तस्वीर उठा के देखें तो सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है ये दिल दुखाने वाली बातें उस रिपोर्ट में आप पढ़ें कि जिसमें मदद कर ना मिलना हुकूमत की तरफ से बिल्कुल सलाबजदान से मुलाकात तक ना होने देना और फिर जबरदस्ती जिस तरह उस वक्त का वजी अजमसफ रजा गिलानी अपने खानदान की स्पेशल फ्लाइट से मुल्तान से इस्लामाबाद जहाज में उन्हें बिठा कर लाता है महंगे तहफ़ अंजलिना जूली को देते हैं और महंगे तरीन खाने बिल्कुल जिस तरह वो कैनेडा में लॉबस्टर खा रहा था मुझे तो वो यकीन करने जहर लगती है वो तस्वीर देखता हूँ जब और ऐसे वक्त में पूरा मुल्क भूखा हो यकीन करने लुकमा नहीं उतरता अंजलिना जूली कहती है कि एक तरफ गुर्बत और भूख थी पाकिस्तान तबाही बेबर में डूबा था दूसरी तरफ वजी और उन घरों की सजावट देखकर यूरोपियन स्टाइल में कदीमे के शाही महल उसने बाकायदा से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को एक रुपया ना देना जब तक कि अपना शाही प्रोटोकॉल बंद ना करें और यही बात आई एम एफ को शोकत तरीन ने भी कह दी कि मत करें डील मत लें पैसे से देखें इनसे बेहतर तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर अदाकारा मीरा उसका मजाक उड़ाते हैं जी वो नाचने वाली तवाइफ है वो ये है उसने नाच गाकर घुंघरू पहनकर पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तानियों के लिए पैसा इकट्ठा किया इस मुल्क की शराफिया के मुंह पर से थप्पड़ मारे ये मंजूर वसान जैसे बेहिस लोग भेड़िए जो इस तबके की नुमाइंदगी करते जिन्हें हमें ऊपर मुसलत किया गया जिन्हें देखें सैलाब जदगान की बेचारगी और बेबसी का मजाक उन्होंने लाया कि ये लोग इटली के शहर वीनस की तरह सैलाब में तो लोगों को ने को इन्होंने तो देखें इन लोगों को एक दफा सैलाब में तो लोग डूबे हैं माशरे के ये लोग लेकिन नंगे हो गए हैं इसमें मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी की कायद डेढ़ सौ गाड़ियों के हजूम में सैलाबदान से मिलने अपनी कनीजों के झुरमट में राजकुमारी अंजलिना जूली नंबर दो किसी फर, मतलब नंबर दो कॉपी कह रहा हूँ किसी फरिश्ता सिफ्त औरत के अंदाज में वहां तस्वीरें बना रही हैं वहां मजाक उड़ा रही दूसरी तरफ जब इमरान खान दो घंटों में पांच अरब रुपया इकट्ठा करता है तो फिर उस फंडिंग को सबोताज करने के देखिए कितने घटिया लोग हैं मजाक उड़ाना और उसके बाद के जी देखिए आप शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ एक अरब रुपया दे रहे हैं अभी बिलावल एक अरब इकट्ठा करके ला रहा है अलखिदमत फाउंडेशन ये कर दिया वो कर दिया इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ़ इमरान खान की इस फंडिंग को मुतनाज़ा करना लोगों के दिलों में वसवसे डालना लोगों को शकूक डालना भाई यहाँ इन्हें हौसला अफजाई करनी चाहिए थी इमरान खान के साथ बैठना चाहिए था तमाम चैनल्स को जोड़ना चाहिए था कि आएँ मिलकर सहाफर लेकिन इनकी घटिया सियासतदानों के घटिया ऐतवार यहाँ भी बाज़ नहीं आए और यही बात साबित करती है ये लोग हम में से नहीं है ये देखे 400 अरब की करप्शन करने वाला शर्जील में मतलब चार अरब उसके इल्जाम है फ्लड रिलीफ का इंचार्ज उसे बना दिया आप अपने घर में चोरी के इल्जाम वाले मुलाजिम को नहीं रखते आप चौकीदार नहीं रखते आप गार्ड नहीं रखते इन्होंने उसको चार अरब की चोरी पर लगा दिया जनरल बाजवा अपने पांच मिनट के इंटरव्यू में तीन से चार मरतबा सवात और कलाम के लोगों को करके कहता है जी यहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे असल मामला क्या है? वो इमदाद देने वालों को कह रहा है खान की सूबे में है इसलिए यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ इसलिए इमरान खान को आप इमदाद ना दें हमें दें देखें जरा सोच इन लोगों की हालांकि इमरान खान ने इमदाद के वो जो ट्रक थे वो सिंध भेजे बलोचिस्तान भेजे हैं इमदादी कार्रवाई है। उन्होंने यार ये पाकिस्तान है पूरा के पी के हो सिंध हो बोलो सब एक हैं लेकिन मैं हैरान हूँ ये बाकी लोग किस लेवल पर चले गए इतना बोहज है नहीं और वह मरना नहीं है कुछ ओर और बेहसी की हद होती है ये सैलाब जदगान पूरे पाकिस्तान के शहरी क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको इमरान खान से मसला है तो लड़ो से वो तो खड़ा है लेकिन इस काम पर मुनाफत इस काम पर सियासत टी वी चैनल्स को बाकायदा कॉल्स की गई कि आप इमरान खान की टेलीफोन नहीं चलाएँगे ये मालिकान ने इनसे कमिटमेंट की और बाद में मौजूद ये बात फवाज चौधरी ने खुद कही है कि हमारे साथ उनकी कमिटमेंट थी ये समा एक्सप्रेस जियो सब ने अब बैरूने मुल्क लोग देखें जो टेलीथॉन से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे उनके लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए बैंकों से कहा कि इनकी जो पेमेंट है ट्रांजेक्शन होने ना पाए मतलब रजा चौधरी देखें हमारे मेंबर हैं आप बड़े टीम सैबिक आजमी के सबसे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के उन्हें करीबी दोस्त हैं उनके वो उन्हें जाती तौर पर तफी देने के किस के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन बंद हुए इमरान खान ने तो अभी सिलाब फंड जो इकट्ठा है उसके लिए वेबसाइट भी उन्होंने बना दिया कि अब उस पर कितने पैसे हैं कहाँ लगे हैं एक एक रुपए की तफसील लगी होगी आप देख सकते हैं कि इसके पैसे कहाँ गए किधर गए लेकिन इन लोगों से हिसाब कैसे मिलेगा वो जो कर्ज तारों मुल्क समारोह से लेकर पीली टैक्सी आशियाना स्कीम साफ पानी नंदीपुर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पापड़ों वाले फलूदे वाले गोले वाले इनके अकाउंटों में जो माल है वो सोलह सौरों की टीटियां किधर को पता ही नहीं अभी वो देखे ना माहिर माशियात हैं जो पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त डॉक्टर शिफाक साहब वो भी बात कह रहे थे कि ये साढ़े चार महीनों में इन्होंने जानबूझ कर ये मुआशी हालात खराब किए मैं आपको बता रहा था बार बार वीडियोस में अब उनकी भी आ गई वोटिंग ताकि मौजूदा हुकूमत टोटल पॉलिसी आईएमएफ की फॉलो करे और पाकिस्तान को इतना कमज़ोर करे कि अगले दस साल तक अब आई के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान हुकूमत में आया तो पाँच से दस साल वो अब रह गई रहेगा तो मुश्किल इतनी कर दें कि हमारी सियासत चलती रहे अब प्याज चार सौ उनतीस रुपया बिगड़ा खिलो ये चाह रहे हैं कि वो इतना काम खराब हो जाए इन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज़ नहीं है वो बाजवा साहब देखें कौम को मुबारक दे रहे हैं कि आपने आई एम एफ़ का बेल आउट पैकेज हमें मिल गया है खुद जाके शहबाज शरीफ को फ़ोन कर रहे हैं उनसे मतलब कह रहे हैं जी मतलब छुट्टी के बाद यार पब्लिक छुट्टी दे दें दे। कि आम छुट्टी का ऐलान कर दें इतनी बड़ी आपने जो अचीवमेंट हासिल कर ली है मफ्ता इसमाइल को निशान हैदर दे दें दे आप कितना बड़ा काम यार शनम करें कुछ बहर अपना खास ख्याल रखिली वीडियो तक इजाज़ नहीं अल्लाह हाफिज